गणपति बप्पा मोरिया आला रे आला गणपति आला एमएच न्यूज 9 विदर्भ के साथ वीडियो विद बप्पा लाया गणपति बप्पा मोरिया। हर साल कुणाल के यहाँ मैं आरती करने आता हूँ। कुणाल गणपति का एक अच्छा भक्त है और यहाँ आरती करने के बाद आने के बाद जो यहाँ का माहौल है उस माहौल में जो भक्ति भाव रहता है वो और जगह नहीं देखने मिलता, लेकिन यहाँ एक भक्ति भाव का माहौल हो जाता है और एक अच्छा वातावरण 10 दिन यहाँ रहे सभी जगह यानी पूरे हमारे नागपुर शहर में गणेश उत्सव का 10 दिन का जो माहौल है भक्ति भाव का माहौल रहता है, उसी प्रकार कुणाल के घर का भी माहौल भक्ति भाव का रहता है। अभी क्या हुआ, मंडल इस बार तो कम हो गए हैं हमारे शहर में, इस बार मंडल कम हुए हैं। कुछ प्रशासन के माध्यम से कुछ तकलीफें बढ़ गई हैं कि रोड पे गणपति नहीं बिठाना, कहीं ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती, उसके बाद फिर अनेक अड़चन लोगों को आनी है कि जो सार्वजनिक मंडल हैं उस मंडलों में जो वर्गणी का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत से जगह अब शांति प्रिय गणपति सभी जगह दिखने लगा है। कुछ पहले बहुत जोश में होता था लेकिन अब जोश लोगों का युवाओं का घट गया है और एक अच्छा वातावरण गणपति के लिए हमारे शहर में शुरू है। इससे मेरी विनंती है कि 10 दिन गणपति का उत्सव शांतिपूर्वक हो। गत 24 साल से मैं इस परिवार को जानता हूँ। जैसा कुणाल यादव ये हमारे स्कूल के छात्र थे, पहले ये मकान भी नहीं था, इससे छोटा मकान था, तब उसने एक छोटी गणेश जी की मूर्ति बिठाई, उसका स्वरूप आज गत 24-25 साल से इतना बड़ा बन गया है। उसके लिए कुणाल की और कुणाल के माता पिता माता जी की जो मेहनत है वो इसलिए बहुत एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं हर साल। और गणेश जी के बारे में बोलना चाहे तो हर साल ही उस सब बहुत अच्छे से मनाते हैं, कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी वो रखते हैं, भजन पूजन भी होते हैं उनके यहाँ पर। और कुणाल का जो परिवार है जैसा वो एक स्टूडेंट करके मैंने देखा है, 5वीं क्लास में उसको जानता हूँ, पर आज राजकीय स्वरूप उसको थोड़ा टच मिल गया है। राजकीय नेताओं के साथ रह के स्वार्थ कुछ भी नहीं, एक रुपए का भी स्वार्थ उसको नहीं है, ना नगर सेवक बनना है, ना आमदार बनना है, ना खासदार बनना है, लेकिन उसकी सेवा जो आज भी हम देख रहे हैं, हमारे आंखों से देखते हैं, हमको बहुत खुशी होती है कि एक यादव परिवार का, एक यादव समाज के परिवार का एक कुणाल यादव एक बड़ा अच्छा काम करता है। और उनके घर के जो गणेश जी है उनके ऊपर ऐसी छाया छत्र रखे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ज़्यादा आत्मा को शांति मिली, बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत अच्छे इसमें बैठी है और बिल्कुल जो बोलते हैं सुखदाता और उस तरह से उस प्रकार की वो उसमें शांति वाली मूर्ति है और ये बहुत अच्छा काम है। सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि कुणाल भैया का वो जो घर है वो सबसे पहले मेरा घर, रिलेशन में कुणाल भैया मेरे छोटे भाई और मेरी बुआ का घर है। और बात रही यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करने के बाद कैसा लगा कि स्वाभाविक है कि प्रथम जिसको हम पूछते हैं श्री गणेश जी, वो कहीं पे भी रहे उनको पूछने के बाद ऐसा ही लगता है कि मन में संतुष्टि मिलती है। और जो नागपुर शहर के अंदर में हर घर के अंदर में जो गणपति रखा जाता है वो उस दर्शन में जो लोगों को दिल के अंदर में सुकून मिलता है वो शायद मंडपों में नहीं मिलता, क्योंकि भीड़ भड़ाका जिस हिसाब से आज की तारीख में जो लोगों ने जिस हिसाब से रोड पे गणपति बिठाना और सार्वजनिक स्थल पे जो मंडपों को जगह नहीं मिलना, उसके वजह से लोग की पूजा अर्चना सही तरीके से हो नहीं पाती। घरों के अंदर में जो मंडप में जो पूजा जो होती है घरों के अंदर में वो एक मन में शांति हो जाती है। और सभी लोगों ने लगभग घर के अंदर में जो गणपति बिठाते हैं उसमें सभी को शांति के हिसाब से परिवार के लोग सब एकत्रित होकर जो पूजा करते हैं। कुणाल भैया का जो घर है वहाँ पर पूजा अर्चना हमारे बड़े भाई और राज्य मंत्री जी ओम प्रकाश मुन्ना जी यादव, उन्होंने पूजा अर्चना की, पूरे परिवार ने मिलकर उसको पूजा अर्चना की और काफ़ी अच्छा लगा।
और मन में ऐसा लगा कि पूरे युवाओं के साथ में जो पूजा अर्चना करने के बाद कि नहीं यहाँ पर एक अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो सभी को इस गणेश जी के इस त्यौहार की पावन पर्व की सभी युवाओं को, सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, मैं गोंदिया नगरी की ओर से नागपुर शहर को खास करके मैं गणेश पूजा अर्चना की और गणेश की इस त्यौहार की सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, मेरी मौसी है, मेरे भाई है, पिंटू वगैरह सब लोग है, सभी की ओर से, मैं अपने पूरे परिवार की ओर से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साल भर में एक बार ये समय ऐसा आता है ज़िंदगी में कि पूरा परिवार एक जगह पर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शादियों में भी कभी मुलाकात होती है, नहीं होती है, पर ये समय ऐसा होता है मेरे परिवार के अंदर में कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दीपक दिया पटेल, उनका भी यहाँ पे आगमन हुआ है। ऐसा पूरा यादव समाज से लेकर सभी समाज के वर्ग और सर्वधर्म संभव के लोग मेरे यहाँ दर्शन करने आते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद उन सब चीज़ों का होता है कि इसी गणपति बप्पा के 10 दिन के बाद में सर्वधर्म संभव के नाते एक परिवार की यूनिटी दिखाई देती है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और शांतिपूर्वक ढंग से सब पूरा परिवार की एकता हमारी। 10 दिन अनिरुद्ध पूजा करने के बाद अभी जब 10वें दिन आप गणपति बप्पा को विसर्जन करेंगे, किस तरह का माहौल होगा, क्या रहेगा आपके लिए? अब वो ऐसा होता है कि अपने परिवार का एक सदस्य वो एक दिन भी अपने यहाँ निवास करे तो अपना मन ये हो जाता है, तो उसी समय ऐसा भयभीत का वातावरण तो बन ही जाता है थोड़ा बहुत। पर बप्पा को विदा करते समय जितनी अंतरी मन से दुख होता है उससे ज़्यादा खुशियाँ भी होती है क्योंकि सभी प्रकार का सर्वधर्म उस यात्रा में शामिल होता है और इसी प्रकार से संगठित देश का एक मैसेज इस पूरे गणपति बप्पा के इससे जाता है। जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी वही परंपरा आज तक कायम है। ये हिंदू धर्म की सबसे अच्छी संगठन है। थैंक यू।